बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान आप सबको आशीर्वाद देना चाहे। गुरुदेव भगवान सब बैठा है, आपका पूरा परिवार, आप बोल देंगे। सभी को बागेश्वर धाम के सभी परिकरों को नमो राघवाय कहकर, नमो राघवाय, नमो राघवाय, सबको मंगल आशासन देता हूँ, सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद प्रदीयन्ते यथा कालम फलंतुते। जय श्री राम, जय हो धीरेन्द्र जी की जय हो। अवस्था भगवान सब सतायुष होकर आनंद करे। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो जी जी साष्टांग। बड़ी बात है, पूज्य गुरुदेव भगवान को अभी कथा से वो है निवृत्त। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और एक बड़ी शुभकामना, इसको हम कहेंगे आप जरूर डालो, जो राम कथा हनुमंत कथा 9 दिन की धाम पर हुई थी, गुरुदेव की आज्ञा लगी कि उसकी पुस्तक बन गई और 5,000 प्रतियां बागेश्वर धाम पर पूरे परिवार को बांटने के लिए आएंगी। जो हनुमंत कथा गुरुदेव ने कही थी, तो आप सब, हमारा तो बड़ा भाग हो गया, अब हमारा भैया जन्मदिवस हो गया, अब हो गया। हम कह रहे थे ना कि अभी नहीं हुआ, जब होगा हम बताएंगे, अब हो गया, गुरु कृपा हो गई सो हो गया। और कितने एकदम हमारे गुरुदेव भगवान भोले हैं, एकदम भोले। एक बार ही निवेदन किया कि आप सबको बोले हाओ, वहां ना तो है ही नहीं, इतना स्नेह करते, सच है लाखों, देखो हमारे जैसे उनको लाखों शिष्य हैं, पर हमारे लिए तो सिर्फ एक गुरुदेव ही है। और हम तो बड़े अच्छा, आप लोग हमसे ज्यादा भाग्यशाली, गुरु के भी गुरु आपके लगे वो दादा गुरु। हाँ, कौन लगे? दादा गुरु, पूज्य पाद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म भूषण रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री। अब गुरुदेव भगवान का नाम आप सब समझ जाओ, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। और आज गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा दी, हमने बताया, बोले कितने साल के हो गए? हमका 26 के हो गए। तो पता है फोन पर क्या कह रहे थे, जब माइक हम उस तरफ, तब गुरु जी कह रहे थे भाई, अब पता नहीं अब ऐसा क्यों कहा, लेकिन हमारी तो आंखें भर रही। गुरु जी कह रहे थे हम I proud of you धीरेन्द्र कृष्ण, बोले कह रहे थे हमें गर्व है कि हमारे शिष्य हो तुम। हमारा मन एकदम आह्लादित हो गया कि हमारे गुरुदेव कितनी ऊंची बात बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो बड़ी भाग्य की बात, वर्तमान में ऐसा कोई, देखो ये मुंह पर बात नहीं कह रहे हैं, ये परिकर मलुक पीठ से संबंधित लग रहे हैं, स्वस्ति तिलक उनका लग रहा है हमें, ये बिल्कुल हम मुंह दे की बात नहीं कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं वर्तमान में विश्व में ऐसी विभूति है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहा, वर्तमान समय में ऐसी विभूति नहीं है जो पूज्यपाद गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर हैं। गुरु के लिए तो, शिष्य के लिए तो गुरु हमेशा भगवान होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और हम तो बड़े नालायक चेला हैं उनके, महानालायक हैं, धूर्त हैं, निकम्मे हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हर 10-15-20 दिन में गुरुजी कृपा कर देते हैं फोन से ही। आज हमारी मूर्खता तो देखो, सुबह एक बार हम चर्चा प्रणाम भर कर पाए पर गुरुजी कथा न दे और संदेशा नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ये देखो गुरु कृपा, तो मन में हम ऐसे बिद गए कि हम भूल गए। वही वो डांट लगा रहे थे, अरे नालायक कब तक बिदो रहे है, अब का कह दें, तो उन्होंने हम ऐसे बिद गए, कहते तो गीत गा रहे थे हम के राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे हैं। उधर गुरुजी बोले तुम भाई बड़े दूर, तो बड़ी कृपा, आप सबको भी आशीर्वाद मिल गया, बड़ी प्रसन्नता है, सब प्रसन्न रहो, सब मौज में रहो। और हनुमान चालीसा का एक पाठ हम कहेंगे कि करो, तो सब लोग हनुमान चालीसा अपने अपने मोबाइल में निकाल लो, मोबाइल का आज सदुपयोग करो, मोबाइल में हनुमान चालीसा निकालो, हम चाय पी भी
और तुम सब हनुमान चालीसा का पाठ गाओ। ये हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक इसलिए गा रहे हैं कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार हो, इसलिए करना है। सब अपने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा निकालो और भाव पूर्वक भाई सब पूरा मंडल गाए। लाइट तो कट गया, तो हम चाय ना पिए, चाय पीने के बाद गाएं। अच्छा, हम चाय पीने के बाद गाएं। खनिज तब तक तुम कुछ सुनाओ, हम चाय भी पी लें, क्योंकि आज चाय से कथा शुरू हुई थी, वो कथा में दो तीन चाय ना हो तो तौहीन हो जाएगी। आज की कथा ही चाय से शुरू, भाई चाय पत्ती कौन लाया था, जरा खड़े तो हो जाओ। चाय पत्ती कौन लाया था, कौन, प्लीज प्लीज आप उठिए, जरा कैमरा करो इनकी तरफ, कैमरा करो इनकी तरफ। चाय पत्ती कौन माताजी लाए, आप लाई थी चाय पत्ती, तुम्हें सलाह किसने दी चाय पत्ती की, आ? क्या बोल रहे हैं? सुना है कि दादा गुरुजी को चाय बहुत पसंद, हमें तो पसंद है ही है। धन्य चाय ले आई आपके, चाय पूरी फलीभूत हो गई आज तुम्हारी।